शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा स्कूल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, आज आपके साथ विद्यालय प्रबंधन के घटक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यालय प्रबंधन वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। विद्यालय प्रबंधन एक कार्य न होकर विविध कार्यों का एक जटिल समूह है, जिसमें प्रबंधन कार्य की समग्र व्यवस्था के लिए प्रबंधकों का एक समूह सम्मिलित रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करता है। विद्यालय प्रबंधन के विविध घटक हैं विद्यालय नियोजन, विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय निर्देशन एवं विद्यालय नियंत्रण। अगर हम विद्यालय नियोजन की बात करें तो विद्यालय नियोजन विद्यालय प्रबंधन का एक संपूर्ण महत्वपूर्ण घटक है। यह विद्यालय प्रबंधन का प्रथम चरण है। इसके बिना विद्यालय प्रबंधन का कार्य नहीं चल सकता है। भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को सही सही आकलन करके तदानुकूल संसाधनों की व्यवस्था करते हुए उत्तम परिणाम प्राप्त करने की प्रत्याशा में लिखित एवं व्यवस्थित कार्य योजना को विद्यालय नियोजन के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि नियोजन के बारे में हम सभी जानते हैं, हमें कोई भी कार्य करना हो उसके लिए नियोजन अति आवश्यक है। वो कार्य चाहे छोटा सा हो, घर में आपको कोई पार्टी करनी हो या आपको विद्यालय को चलाना हो, सभी के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना नियोजन के किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से संपादित किया जाना मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए विद्यालय में भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है नियोजन। विद्यालय नियोजन करते समय कुछ चरणों का अनुगमन करना चाहिए, जैसे सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी हमें अगर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करने के लिए जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सूचनाएँ नहीं होंगी, तो प्लानिंग हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। सूचनाओं का एकत्रीकरण करने के बाद आवश्यकताओं का आकलन करके वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। जब हमारे पास सूचनाएं आ गई तब हम ये देखते हैं कि अब हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसका आकलन करते हैं और फिर हम वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करते हैं। वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही हम उनके आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण कर पाते हैं, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे तभी हम कोई प्लानिंग आगे कर सकेंगे। और इसी तरीके से विद्यालय में उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं की जाँच की जाती है। उसके साथ ही हम उपलब्ध संसाधनों की जांच करते हैं, कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम कार्ययोजनाएं बनाई जाती हैं, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। क्योंकि जब जो कार्ययोजनाएं बनाई हैं उन कार्ययोजनाओं को बनाने के पश्चात उनका प्रबंधन किया जाता है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। उसके पश्चात जो कार्य हम कर लेते हैं उन कार्यों का पुनरीक्षण या मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद बात आती है विद्यालय संगठन की। विद्यालय प्रबंधन का दूसरा घटक है विद्यालय संगठन। इसमें विद्यालय प्रबंधन के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय, आर्थिक और शैक्षणिक स्रोतों के आधार पर संगठन किया जाता है। मानवीय संगठन के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिक्षा के उचित प्रबंध के लिए विद्यालय उच्च अधिकारियों द्वारा शिक्षकों, कर्मचारियों और सहायकों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। क्योंकि जो मानवीय संगठन की बात कर रहे हैं वो मानवीय संगठन में हमें मनुष्यों का संगठन करना है, हमें उन जो लोग हमारे पास हैं उनकी नियुक्तियां करनी है। क्योंकि स्कूल चलाना है, विद्यालय चलाना है, तो उसके लिए शिक्षक भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए और सहायक कर्मचारी भी चाहिए, अतः इन सब की नियुक्तियां की जाती हैं। आर्थिक संगठन के अंतर्गत विद्यालय के भवन, इमारत, कक्षा कक्ष, क्रीड़ा मैदान आदि के निर्माण एवं उनके रखरखाव के लिए वित्त की व्यवस्था का कार्य किया जाता है और ये कार्य भी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा ही संभव है। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षणिक प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की योग्यता, चयन और कार्यक्रम की अवधि आदि का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा अधिगम की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय प्रशासन वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों, विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही भौतिक और शैक्षिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो सके। विद्यालय प्रशासन को बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन दो भागों में बांट सकते हैं। बाह्य प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय नियंत्रण,
नियम, नीति निर्देशक आदि तथा आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत आंतरिक व्यवस्था से संबंधित निर्णयों को रखा जाता है। निर्देशन विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत कार्य को प्रारंभ करने से पहले सभी कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को बताना तथा कार्य की समाप्ति पर आवश्यक व्यवहार एवं गतिविधियों को समझाया जाता है। इसके बिना योजना को प्रारंभ करना कठिन होता है। योजना की सफलता निर्देशन पर निर्भर करती है। हम कोई भी काम करना है हमें, अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी, उसको जब तक तभी सफल हो सकेगी जब हमें उसका पर प्रॉपर ठीक प्रकार से निर्देशन मिलेगा, और यह कार्य प्रधानाचार्य और उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। निर्देशन में प्रधानाचार्य एवं उच्च अधिकारियों में दूरदर्शिता, योग्यता, विवेक एवं नेतृत्व की शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये गुण प्रधानाचार्य में और उच्च अधिकारियों में नहीं होंगे तो उस विद्यालय का निर्देशन अच्छे प्रकार से नहीं हो सकेगा, और जब ये विद्यालय का निर्देशन अच्छे प्रकार से नहीं होगा तो विद्यालय की सफलता में समस्याएं आएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि निर्देशन के अंतर्गत प्रधानाचार्य उच्च अधिकारियों में इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय नियंत्रण विद्यालय प्रबंध का अंतिम व अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, प्रबंध तंत्र और समाज मिलकर विद्यालय नियंत्रण का कार्य करते हैं। विद्यालय नियोजन और विद्यालय नियंत्रण विद्यालय प्रबंधन के दो सिरे हैं। देखिए, विद्यालय नियोजन जहाँ प्लानिंग की बात आती है, प्लानिंग स्कूल लेवल पर की जा रही है, और विद्यालय नियंत्रण सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग सिरे हैं। इनके द्वारा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और संतुलित किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनुशासित करने का कार्य विद्यालय नियंत्रण के माध्यम से ही संभव है। इस कार्य को करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय व शिक्षा सचिवालय का सदैव ही सक्रिय एवं जागरूक रहना अनिवार्य है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा पारित अनेक अधिनियम और शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य भी विद्यालय नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न आयाम हैं। ये आयाम हैं अंतःशैक्षणिक विस्तार आयाम, जननांकीय प्रक्षेपण आयाम, स्कूल मैपिंग आयाम, मानव संसाधन विकास आयाम, सामाजिक मांग आयाम, प्राप्ति दर अथवा विनियोग आयाम और सामाजिक न्याय आयाम। अगर हम बात करें अंतःशैक्षणिक विस्तार आयाम, इस आयाम के अंतर्गत ये दर्शाया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक लक्ष्य विशेष को पाने के लिए कितनी मात्रा में व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हम किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें ये पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसका पहले से अनुमान लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पहले से अनुमान लगा के नहीं चलेंगे तो मुश्किल ये आती है कि जब आप कार्य को निष्पादित करने जाते हैं उस समय पर समस्या आती है कि कोई चीज़ आपको चाहिए और वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें पहले से ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि कितना हमें इसमें किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की कितनी व्यवस्था करनी है। इस अनुमान के आधार पर हम भविष्य की आवश्यकता का आकलन करते हैं। तत्पश्चात लक्ष्य विशेष की प्राप्ति हेतु समुचित नियोजन एवं प्रबंध करते हैं। यह आयाम संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था पर कार्य न कर किसी एक लक्ष्य का आकलन करता है। यह केवल भौतिक और मानव संसाधनों के परिकलन व आवश्यकता के आकलन का कार्य करता है। जनांकीय प्रक्षेपण आयाम, यह आयाम विद्यालय प्रबंधन के लिए भावी जनसंख्या का अनुमान लगाने में सहायता करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यह आयाम इस बात का अनुमान लगाता है कि भविष्य में एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की स्थिति क्या होगी, उस जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताएँ क्या क्या होंगी तथा उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। एक दूसरा आयाम है, वो है स्कूल मैपिंग आयाम। इस आयाम में विद्यालयों की भौतिक और सामाजिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां अधिकतम जनसंख्या उससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि अगर विद्यालय हम कोई इस तरह से स्थापित कर देंगे जो काफ़ी दूर के क्षेत्र में हो तो वहाँ स्थिति ये होगी जो आसपास के बच्चे होंगे वही बच्चे उस विद्यालय का लाभ ले सकेंगे, जबकि अधिकतम बच्चे उसके लिए लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। अतः विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर अधिकतम जनसंख्या उससे लाभान्वित हो सके। विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जहां परिवहन के अधिकतम साधन सहज ही उपलब्ध हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि विद्यालय हम किसी ऐसे स्थान पर स्थापित कर देते हैं जहां तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को आसान ना हो पहुंचना, उस स्थिति में विद्यार्थी वहां पर
प्रवेश नहीं लेंगे, और जब प्रवेश विद्यार्थी नहीं लेंगे तो विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है विद्यार्थी, और जब तक विद्यार्थी वहाँ विद्यालय में नहीं होंगे तो वो विद्यालय का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी परिवहन की व्यवस्था अधिकतम हो, जहाँ अधिकतम साधन उपलब्ध हों परिवहन के, उस स्थान पर विद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए। विद्यालय का सामाजिक वातावरण राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है स्कूल मैपिंग आयाम के तहत। एक अन्य आयाम है मानव संसाधन विकास आयाम। किसी भी राष्ट्र या समाज का सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास उस राष्ट्र या समाज के मानव संसाधन का समुचित विकास करने पर निर्भर करता है। इस उपागम के अंतर्गत इस बात का आकलन किया जाता है कि राज्य के किस क्षेत्र में किस प्रकार के मानव संसाधन की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे यह आयाम आकलन करता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताएं क्या होंगी तथा उसके लिए हमें किस किस प्रकार के कितने चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार इंजीनियर, प्रबंधक, व्यवसायी, शिक्षक, प्रशासक आदि की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था के लिए यह आयाम कार्यरत है। एक अन्य आयाम है सामाजिक मांग आयाम। इस उपागम में केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष की वर्तमान समय में समाज में कितनी मांग है। इस उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष में शैक्षिक जागरूकता अथवा सामाजिक मांग को आधार बनाते हुए विद्यालय प्रबंधन किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें सामाजिक मांग उपागम का वास्तविक मांग से कोई संबंध ना होकर सामाजिक मांग से सीधा संबंध होता है। समाज में जिस व्यवसाय की मांग अधिक होती है, विद्यालय छात्रों को उसी ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण मानव विकास के अनेक क्षेत्र उपेक्षित भी रह जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में हमें अधिक व्यक्ति चाहिए। अगर मान लीजिए हमें शिक्षक अधिक चाहिए तो विद्यार्थियों को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ें। अगर हमें इंजीनियर ज़्यादा चाहिए तो हम उस तरीके के विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं कि विद्यार्थी इंजीनियरिंग की साइड में आगे जाएं, जिसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम अधिकतम विद्यार्थी उन्हीं क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जिससे कि मानव विकास के जो अन्य क्षेत्र हैं वो उपेक्षित रह जाते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो चर्चा की हमने विद्यालय प्रबंधन के घटक और उसके आयामों के लिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।